हाय गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। जो लोग सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट को पोस्ट करते हैं, भले ही वो यूट्यूबर हो सकता है, वो ब्लॉगर हो सकता है, या फिर दूसरे किसी अलग अलग इंटरनेट साइट पर अपना कंटेंट को क्रिएट करते रहते हैं, मतलब वो लोग जो क्रिएटर है ना, ज़्यादातर क्रिएटर लोग एफिलिएट नेटवर्क को काफ़ी तगड़ा स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हैं और वो एफिलिएट नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं। बेसिकली जो लोग ऐसे सॉफ्टवेयर का रिव्यूज़ करते हैं, डोमेन होस्टिंग के बारे में बात करते हैं, लोग तो काफी ज्यादा मात्रा में अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर अपना कंटेंट को बनाते हैं, वो लोगों को एफिलिएट फाइंड करना काफी मुश्किल होता है। बेसिकली वो लोगों के लिए तो इतना मुश्किल हो जाता है जो लोग बिल्कुल विगनर है, मतलब ऐसे ही वो लोगों का एक्सपीरियंस काफी कम है, 2 महीने 3 महीने ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब बहुत ही कम एक्सपीरियंस। तो वो लोग अगर इस टाइम को सर्च करेंगे कहीं पर जाके, भले ही वो गूगल हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, ये फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम, तो वो लोगों को मतलब उसका जो रिजल्ट है सही तरीके से ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई ये फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम को पता करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, हम लोग लेके आ गए हैं आप सबके लिए एक पूरा सीरीज। इस सीरीज पर हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोडक्ट को लेके। ऐसे भी एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर तो यूट्यूब पर, ब्लॉग पर काफ़ी तरह तरह का कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, और इसीलिए बहुत लोगों को ये जो फाइनेंशियल टॉपिक है, इसका एफिलिएट मार्केटिंग फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, और वो लोगों के लिए इतना दिक्कत होता है जो लोग बिल्कुल बिगिनर है। मैं भी उतना भी कुछ एक्सपर्ट वाला चीज़ नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन हुआ है, और जितना एक्सपीरियंस गेन हुआ है उसके दौलत मैं जो अर्निंग किया हूं उसके हिसाब से मुझे लगा कि मेरा जो नॉलेज है आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं ये पूरा का पूरा सीरीज बनाया हूं। और गाइस, आज के इस वीडियो पर मैंने बस आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा कि फाइनेंशियल एफिलिएट मॉडल को हम लोग कैसे काम में लगा सकते हैं, और ये जो एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम है इसको हम लोग सही ढंग से यूज करके हुए क्या कुछ कर सकते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ में हमारा जो पूरा का पूरा सीरीज है ये भी आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ रेगुलरली जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुम राज और आप लोग देख रहे हो माइंड पॉइंट। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का नया और कुछ खास एपिसोड। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का इस फर्स्ट वीडियो पर आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, दूसरा वीडियो पर और भी कुछ हटके चीज़ें मिलेगा, और लास्ट तक मैं आप लोगों को ये साबित कर दूंगा कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर जो एफिलिएट अर्निंग है ये इतना ज़्यादा मात्रा में अर्निंग होता है कि आप लोग सोच नहीं पाओगे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। सो जो लोग बेसिकली विगनर है, मतलब जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही कम है फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर, बट वो लोग कंटेंट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है यूट्यूब पर या फिर ब्लॉगर पर जो लोग आते हैं फर्स्ट टाइम, उन लोगों के पास नॉलेज काफ़ी कम रहता है। जब कंटेंट बनाते रहता है, जो थोड़ा किसी नया नया चीज़ को सीखते हैं, अपने ऊपर रिसर्च जारी करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च शुरू करते हैं, तब जाके वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाता है। लेकिन वो लोग भी कभी कभार सोचते हैं कि भाई फाइनेंशियल नीच के ऊपर हम लोगों को एफिलिएट प्रोग्राम पता करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को रेफरल अर्निंग का चेन काफ़ी ज़्यादा है, बट एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम यहाँ पर काफ़ी कम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर मैं सीधा आ गया हूँ गूगल पर, ये बस मैं एग्जाम्पल के पर्पज़ में बता रहा हूँ क्या कुछ चीज़ें। गूगल पर अगर हम लोग सर्च करेंगे ना फाइनेंशियल एफिलिएट नेटवर्क, सो आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है ना, जो लोग विगनर लोग हैं उन लोगों को समझ में नहीं आया है। बेसिकली मैंने भी जब शुरुआती तौर पर रिसर्च किया था फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में, तो मुझे भी सही ढंग से समझ में नहीं आया था, बट आज थोड़ा बहुत समझ में आया है। सो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या सर्च किया है, फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम, और यहाँ पर जो सारा साइट आ जाता है ना ये इंटरनेशनल होता है, कहाँ पर ये अमेरिका का होता है, उसके अलावा न्यूजीलैंड, थाईलैंड है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें। लेकिन क्या आपको पता है ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेशनल है, यहाँ पर देखिए डॉलर में बताया गया है, कहीं पर यूरोज करेंसी पर बताया गया, मतलब ये हमारा इंडिया का नहीं है। इस जगह पर बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर दूसरे वाला टॉपिक पर विजिट करते हैं, यहाँ पर भी डॉलर पर बताया गया है, मतलब ये इंडियन कंपनी ही नहीं है। तो अगर हम लोग अमेरिकन का फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएंगे, तो आप सोच ही सकते हो कि आपका जो हिंदी लैंग्वेज होगा या फिर अपना जो लोकल लैंग्वेज होगा, खासकर इंडियन के लिए, उन लोगों का प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेशनल पर जो ब्रांड है वो ब्रांड हमारा इंडिया पर सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, तो अपना एफिलिएट मार्केटिंग गया।
लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है क्योंकि ये सीरीज आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पर हम लोग और एक कीवर्ड सर्च करते हैं, बैंक एफिलिएट प्रोग्राम इंडिया। फिर भी यहाँ पर आप लोगों को सही ढंग से रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब बैंकों का जो टॉपिक है उसके ऊपर भी हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग को इतना आसानी से फाइंड नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर जो सारा चीज़ें बताया गया ना, मतलब हम लोगों को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखेंगे, ये तो क्या गूगल का बात, मतलब गूगल पर फाइनेंशियल नीच के ऊपर एफिलिएट नेटवर्क को पता करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी हम लोग आएंगे यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आके हम लोग सर्च किया फाइनेंशियल एफिलिएट मार्केटिंग। सो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार का ही दिक्कत आ जाता है। यहाँ पर एक वीडियोज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पर बताया गया है, और ये वीडियो जो कि है अमेरिकन वीडियो है, आप लोग प्ले करके एक बार देख लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए डॉलर पर बताया गया है, लेकिन ये फाइनेंशियल एफिलिएट नेटवर्क के बारे में ही बात की है, बट ये इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडियन ब्रांड नहीं है, तो हम लोगों को अर्निंग यहाँ से कैसे होगा। उसके बाद यहाँ पर जितना सारा वीडियोज आ जाते हैं नीचे फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में, और हर एक वीडियोस इंटरनेशनल के ऊपर बनाया गया है, मतलब ये नॉन इंडियन वीडियोस है, तो हम लोगों को वहाँ पर तो प्रॉफिट होने ही वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारा ब्रांड्स होता है जो कि अमेरिकन कंपनी है और अमेरिका पर वो ब्रांड चलते हैं, बट इंडिया पर वो ब्रांड अलाउड नहीं है। क्योंकि भैया अगर आपने वीडियोज़ बनाते हो इंश्योरेंस के ऊपर जो अमेरिकन ब्रांड है, थोड़ी ना इंडिया पर आएंगे, क्योंकि इंडिया पर तो LIC है, उसके अलावा HDFC है, ये सारा ब्रांड इंडिया पर अलाउ है। सो आप लोगों को इस प्रकार का जो ब्रांड होता है इंश्योरेंस के या फिर अकाउंट ओपनिंग का, उनका एफिलिएट मार्केटिंग पर ज्वाइन करना है, बट वही हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। आज के इस वीडियो पर मैंने आप लोगों को इंट्रो बताऊंगा, मतलब इंट्रोडक्शन दूंगा, और आगे आगे आप लोगों को बताता रहूँगा। उसके अलावा नीचे यहाँ पर जितना भी वीडियोज़ मिलेगा ना, ये जो भाई का वीडियो है, ये जो सर का वीडियोज़ है, हर एक वीडियो पर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग YouTube पर जाके बस सर्च करके देख लीजिएगा फाइनेंशियल एफिलिएट मार्केटिंग। तो यहाँ पर जो भी वीडियोस मिलेगा ना, इंटरनेशनल वीडियोस मिलेगा, मतलब इंडिया के लिए फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम फाइंड करना सच में बिगिनर लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। सो ये तो क्या उसका फाइनेंशियल प्रोडक्ट को फाइंड करना एफिलिएट नेटवर्क के तौर पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट क्या ये इम्पॉसिबल है? इसका आंसर है ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने फाइनेंशियल नीच के ऊपर वीडियोस बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने वीडियोस बना रहे हो बैंक अकाउंट को कैसे ओपनिंग किया जाए, तो इस वीडियो पर, या फिर अगर आप ब्लॉग पर अपना आर्टिकल डालते हो, मतलब जिस जगह पर भी आप लोग चाहे अपना कॉन्टेंट को क्रिएट करते हो, उस कॉन्टेंट को देखते हो या कॉन्टेंट को फॉलो करते हो, अपना जो ऑडियंस है वो तो काफ़ी आसानी से अपने अकाउंट को ओपनिंग कर लेंगे, बट उसमें आपको एफिलिएट अर्निंग नहीं होगा, क्योंकि साफ तौर पर बैंकिंग जो सेक्टर है अकाउंट ओपनिंग करने का कमीशन आप लोगों को डायरेक्टली नहीं देते हैं। सो यहाँ पर एफिलिएट मॉड्यूल को आप लोगों को दूसरे किसी अलग मेथड को यूज़ करते हुए लगाना है, ठीक है। उसके बाद में रह गया डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का जो एफिलिएट प्रोग्राम है ये तो काफ़ी तगड़ा है, मतलब वो लोग रेफरल अर्निंग का प्रोग्राम सीधा रख दिया, जैसे कि अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, ये लोग क्या किया, रेफरल अर्निंग का प्रोग्राम सीधा ही रख दिया। तो यहाँ पर एफिलिएट मॉड्यूल को यूज़ करना उतना भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन आप लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हो। और ये चीज़ है। उसके बाद रहा इंश्योरेंस के बारे में। सो इंश्योरेंस सेल करना काफ़ी ईजी हो गया है, क्योंकि आप सबको पता है इंश्योरेंस का डिमांड आजकल के ज़माने पर कितना ज़्यादा है, लेकिन उस जगह पर एफिलिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को कस्टमर के साथ डायरेक्टली बात करना पड़ता है, उसके बाद 2-3 घंटा बात करने के बाद, या फिर जो कस्टमर समझ दे रहा है थोड़ा सा देख के समझ जाते हैं, बस आपने उन लोगों को इंश्योरेंस सेल कर दिया, मतलब वो जो सेलिंग का मॉड्यूल होता है ना वो कुछ अलग वगैरह का होता है। बट ऐसा अगर सिस्टम हो कि आपने एक वीडियो बनाया या फिर आपने एक आर्टिकल लिखा है कि भैया लाइफ इंश्योरेंस करना क्यों चाहिए, और आपने उस आर्टिकल पर या फिर उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर इंश्योरेंस बाय करने का लिंक सीधा डाल दिए, और कस्टमर उस लिंक पर क्लिक करते ही इंश्योरेंस को बाय कर लिए, और आपको अपना कमीशन मिल गया। सो इस प्रकार का मॉड्यूल भी मार्केट पर उपलब्ध है, जो कि मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बताता रहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सीरीज़। आज मैं बस आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियोस को लाइक कर देना, और फाइनेंशियल नीच के ऊपर जो एफिलिएट प्रोग्राम है इसके बारे में गूगल पर बोलिए या फिर यूट्यूब पर बोलिए, आप लोग जहाँ पर भी सर्च क्यों ना करें, जो रिजल्ट मिलता है वहाँ से आप लोगों को प्रोडक्ट को फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बेसिकली मैं जब शुरुआती तौर पर ट्राई किया था मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन फिर भी आज मैं एफिलिएट मार्केटिंग से जो भी थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहा हूँ, और ये मॉड्यूल मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारे इस चैनल पर इस फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम
के बारे में बहुत सारा वीडियोस मिलते रहेगा। बेसिकली हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है और उसी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप लोग उस कोर्स को सही ढंग से समझ लेना, बिल्कुल ये फ्री सिस्टम है, फ्री वीडियोस है। उसके बाद आप लोग भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर अपना एफिलिएट नेटवर्क शुरू कर देना और कमाते रहिएगा। सो गाइस वॉच फॉर में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे इस पर नया संदेश और कमाल है पीस के साथ। आज के लिए गाइस बाय बाय।